ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। धीरे धीरे महाराष्ट्र में भी मॉब लिंचिंग जैसी घटना सामने आ रही है। धर्म के नाम पर जय श्री राम मुस्लिम युवकों से बुलवाया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही मुस्लिम युवक से जय श्री राम बुलवाने की घटना सामने मुंबरा से आई थी। उसके बाद अब 20 जुलाई को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मुस्लिम युवक से जय श्री राम बुलवाने की खबर सामने आई थी। मगर एक बार फिर राम के नाम पर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ही दो मुस्लिम युवकों से जबरन जय श्री राम रविवार को बुलवाने का मामला सामने आया है। घटना औरंगाबाद के आजाद चौक की है। अब आखिर सवाल उठता है कि कब तक राम के नाम पर इस तरह की घटनाएं होंगी? आखिर क्यों दूसरे धर्म के लोगों को जबरन जय श्री राम बुलवाया जा रहा है और अगर ना बोले तो उनकी बेरहमी से पिटाई की जाती है? आखिर कौन लोग हैं वो, किस तरह की मानसिकता के लोग हैं जो जबरन धर्म के नाम पर समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं? आज भारत में हर कोने में मॉब लिंचिंग जैसी घटना सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि चार युवक जबरन इनसे जय श्री राम बुलवाया और पीड़ित आमिर शेख ने क्या कुछ बताया है। जाते वक्त एक कार वाले ने मुझे रिटर्न बुलाया और मुझे बुलाया के ये पूछा कहाँ जा रहा है। बोला ऑर्डर लेंगे आ रहा। तो क्यों बोले? ऑर्डर लेंगे आ रहा तो क्यों? तो फिर बोला, बोले जय श्री राम बोल बोले। मैं जय श्री राम नहीं बोलूँगा, बोल बोले तो मारूँगा। ठीक, जय श्री राम बोला तो वहाँ से निकल गया। आगे जाके फोन लगा रहे ना, फोन छिंदा लेते हाथ में से। बताया जा रहा है कि कार सवार चार लोगों ने इन्हें अपने पास बुलाया और जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। औरंगाबाद पुलिस कमिश्नर चिरंजीवी प्रसाद ने क्या बताया है। इनको तीन चार आदमियों ने, जो कि एक सफेद गाड़ी में बैठे हुए थे, इन्होंने अपने पास बुलाया, इनको कुछ गाली गलौज किया और इनसे कुछ नारे लगाने को बताया जो कि ऑब्जेक्शनेबल था। हम इसके बारे में FIR दाखिल करके गंभीर कार्रवाई कर रहे हैं और इसके बाद कुछ लोग आज़ाद चौक के पास जम गए थे, उनको हटाने के लिए पुलिस फोर्स गई और फिर ये अभी माहौल वहाँ पे शांततापूर्ण है और किसी भी तरीके के अफवाह पे विश्वास ना करें और पुलिस पे पूरा विश्वास रखें। इन द सेंस किसी भी तरीके की कंप्लेंट आएगी हम सबसे पहले वहाँ घटनास्थल पर जाएंगे और FIR के फैक्ट के मुताबिक हम इसकी एकदम निष्पक्ष तहकीकात करेंगे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस की तरफ से भी अफवाहों पर ना ध्यान देने की सलाह दी गई है। अगर किसी भी तरह की घटना सामने आती है तो तत्काल पुलिस को जानकारी देने की बात कही गई है। तमाम खबरों की जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।